हेलो एवरीवन, दिव्या सुपर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई की बहुत ही फेमस वड़ा पाव की लाल वाली चटनी। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इसे रोटी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हो, या आप इसे इडली डोसा किसी भी चीज़ के साथ या कोई भी स्नैक्स के साथ भी सर्व कर सकते हो। आप इसे पकौड़े समोसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो। ये सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़ा पाव की सूखी लाल चटनी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है। उसमें एक बड़ा चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप चाहो तो बिना ऑयल के भी इसे रोस्ट करके भी इस चटनी को बना सकते हो। अब मैंने ये लहसुन ले लिया है, ये 5 बड़े लहसुन ले लिए हैं मैंने। इसको मैंने छिलके के साथ ही लिया है, क्योंकि ये छिलके के साथ ही ये चटनी बनाई जाती है। इसे गर्म तेल में डाल देंगे, गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। और ये मैंने कश्मीरी रेड चिली लिया है, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है। इसका बीज भी मैंने निकाल दिया है, 2-3 इसमें तोड़ के ऐसे डाल देंगे। और ये मैंने मूंगफली लिया है, इसका भी मैंने छिलका निकाल दिया है। ये कच्ची मूंगफली है, इसको भी इसमें डाल देंगे। ये 2 बड़ा चम्मच है। सबको भून लेंगे 30 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे। और ये मैंने कोकोनट लिया है, जो सूखा वाला नारियल होता है उसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है। ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये 2 बड़ा चम्मच मैंने लिया है, इसे भी डाल के थोड़ा सा इसमें भून लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हो, 2 बड़ा चम्मच। सबको 30 सेकंड के लिए भून लेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, मैंने 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। तो अभी मैंने मिक्सी के एक जार में इसे ठंडा करके डाल दिया है। अब ये मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, इसे बहुत अच्छा कलर आता है। ये 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। और सब चीज़ों को अच्छी तरह से बिना पानी डाले इसको ब्लेंड करेंगे। तो देखिए, ये मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। ये चटनी ऐसी थोड़ी दरदरी ही होती है और ऐसा ही दिखता है, थोड़ा इसमें वाइट वाइट जो दिख रहा है वैसा ही होता है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी जो प्लेन वाली बूंदी होती है उसको भी डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने एक बोल में इसे निकाल के रख लिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे बना के 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। तो आप एक बार मेरे स्टाइल से बनाइए, खाइए और अपने कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।